विधानसभा चुनाव के नामांकन की आखिरी दिन महासमुंद जिले के कांग्रेस भवन में एक सभा का आयोजन किया गया। इस आयोजन के बाद कांग्रेस के चारों प्रत्याशी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। आपको बता दें कि महासमुंद विधानसभा से डॉक्टर रश्मि चंद्राकर, खल्लारी विधानसभा से द्वारिकाधीश यादव, बसना से देवेंद्र बहादुर और सरायपाली से चातुरी नंद ने आज अपना अंतिम दिन नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन कर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने अपनी जीत का दम भी भरा है। नामांकन का अंतिम दिन होने की वजह से महासमुंद जिले में अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अपना नामांकन भरा है। दूरस्थ अंचल के जन जन तक पहुंचा थे, लेकर सती हमार दूरस्थ अंचल के हमार किसान भाई मन, हमार ग्रामीण भाई मन, हमार शहरी क्षेत्र के युवा लड़का मन सब भैया के साथ भरोसा के साथ जुड़े हैं और भरोसा ही हमार जीत दिलाई। मैं दिल्ली आला कमान और प्रदेश आला कमान के हमारे सभी सम्मानित नेता को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि दोबारा मुझे कांग्रेस प्रत्याशी की प्रत्याशी बनाए हैं और निश्चित रूप से पार्टी विश्वास की है। तो मतगणना के दिन मैं खड़ा उतरूंगा और कांग्रेस पार्टी की झोली में खल्लारी विधानसभा जाएगी। अभी मैं 5 साल वहां मेहनत किया हूँ विधायक के तौर पर। मैं 5 साल से वही मेहनत कर रहा हूँ जो अलका चंद्राकर 2 महीने से कर रही। बीजेपी की लहर छत्तीसगढ़ में कहां से लहर, और मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, जनता के अदालत में आ जाएं, 15 साल की कार्यों की सूची रखें और 2 साल कोरोना के बाद पहली चुनौती यह है। एक 10 किसान की कर्जा माफ किए होंगे तो बता दें।